हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल फैक्ट वर्ल्ड। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं असम के एक सुपरस्टार यंग क्रिकेटर रियान पराग के बारे में। लेकिन दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक देखें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बगल के बेल आइकन को दबा दें, जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, रियान पराग भारत के लंबे कद के खिलाड़ी हैं जो कभी कभी बॉलिंग भी कर लेते हैं। इनका जन्म 10 नवंबर 2001 को गुवाहाटी असम में हुआ था और इनका पूरा परिवार खेल जगत से संबंधित है। रियान पराग भारत के लिए आईपीएल समेत रणजी ट्रॉफी और इंटरनेशनल क्रिकेट भी खेल चुके हैं। दोस्तों, रियान पराग का जन्म 10 नवंबर 2001 को गुवाहाटी असम में हुआ और 2021 के अनुसार से वह 20 वर्ष के हैं। इन्होंने अपनी स्कूल की पढ़ाई साउथ पॉइंट स्कूल गुवाहाटी असम से कम्प्लीट की और इनका परिवार समानता हिंदू धर्म से संबंध रखता है, जिनमें इनके पिता का नाम पराग दास है जो भूतपूर्व क्रिकेटर रह चुके हैं और इनकी माता जी मिथु बैरुआ इंटरनेशनल तैराक भी रह चुकी हैं। दोस्तों, रियान के परिवार में इनके अलावा इनकी एक बहन भी है और इनका नाम अनीता पांडे है। यूं तो कहें कि इनका परिवार पहले से ही खेल जगत से संबंध रखता था, इसका फायदा रियान पराग को भी मिला। दोस्तों, रियान पराग के क्रिकेटिंग कैरियर के बारे में बात करें तो आपको बता दें कि इनके परिवार में बचपन से ही खेल के प्रति अच्छा माहौल रहा है और इसी के चलते इनका बचपन क्रिकेट में आगे बढ़ा और इन्हीं शौक के कारण महज 12 वर्ष की आयु में इनका चयन अंडर 16 क्रिकेट में असम की तरफ से हुआ। तो इस तरह से इनके क्रिकेटिंग जगत का पदार्पण हुआ। 2017 के T20 मैच में रियान पराग का चयन असम की तरफ से झारखंड के खिलाफ हुआ, जिसमें इन्होंने अपना शानदार प्रदर्शन दिखाया था। उसके बाद जुलाई 2017 और नवंबर 2017 में इनका चयन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हुआ, जो आगे बहुत ही चर्चा में रहा। 2017-18 में इनका चयन प्रथम श्रेणी के क्रिकेट रणजी ट्रॉफी में असम की तरफ से हैदराबाद के खिलाफ हुआ और फिर दोस्तों 2018-19 में इनके शानदार प्रदर्शन के कारण इनका चयन असम की तरफ से ही विजय हजारे ट्रॉफी में हुआ, जिसमें रियान पराग असम की तरफ से खेलते हुए शानदार 7 मैचों में 284 रन बनाए, जो टीम के सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी में से एक थे। दोस्तों, यदि बात करें रियान पराग के अंतर्राष्ट्रीय कैरियर के बारे में तो आपको बता दें कि इनका घरेलू क्रिकेट में असम की तरफ से शानदार प्रदर्शन के कारण इनका चयन सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हुआ। 2017 में अंडर 19 क्रिकेट में इनका चयन इंग्लैंड के खिलाफ हुआ, जो कि एक टेस्ट मैच के लिए था और इनके शानदार पारी के कारण इन्होंने अर्धशतक बनाया और यूं कहें तो इनका ओडीआई कैरियर टेस्ट मैच के कारण ही शुरू हुआ। नवंबर 2017 में फिर से इनका चयन अंडर 19 क्रिकेट में बांग्लादेश के खिलाफ हुआ, जो मलेशिया में खेला गया था। रियान पराग के लगातार अच्छे प्रदर्शन के कारण दिसंबर 2017-18 में इनका चयन अंडर 19 वर्ल्ड कप में हुआ। तो इस तरह से इनके इंटरनेशनल क्रिकेट का शुरुआत हुआ। दोस्तों, अब बात करते हैं रियान पराग के आईपीएल कैरियर के बारे में। तो आपको बता दें कि इनका लगातार घरेलू क्रिकेट में से लेकर रणजी ट्रॉफी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लगातार अच्छे प्रदर्शन के कारण इनका आईपीएल कैरियर सबसे पहले 2019 में शुरुआत हुआ, जिसमें राजस्थान रॉयल्स ने उन्हें 20 लाख रुपया देकर अपने टीम में शामिल किया और अभी भी वह राजस्थान रॉयल्स टीम का ही हिस्सा हैं। दोस्तों, यदि बात करें रियान पराग के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में तो आपको बता दें कि 2017 के मैच में रियान पराग सबसे तेज शतक लगाने वाले खिलाड़ी में दूसरे खिलाड़ी थे, जिसमें विराट कोहली ने 32 बॉल पर अपना अर्धशतक पूरा किया था, वहीं रियान पराग ने 33 बॉल में अपनी अर्धशतक पूरा किया था। इनकी और रोचक बातें बात करें तो आपको बता दें कि ऊंचे कद के खिलाड़ी तो हैं ही, लेकिन कुछ समय पहले इनका वजन ज़्यादा था, इसी कारण ने इन्होंने अपना वजन कम करने का बहुत ही प्रयास किया। दोस्तों, रियान पराग की सबसे खास बात यह है कि यह डांस के बहुत बड़े शौकीन हैं और अक्सर इन्हें हम ग्राउंड पर डांस करते हुए देख सकते हैं। इनका परिवार पहले से ही खेल जगत से संबंध रखता था, इसी के चलते इनको यहाँ तक पहुँचने के लिए अच्छा माहौल मिला और आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी यह बहुत ही फेमस हो चुके हैं। रियान के क्रिकेट कैरियर में इनके सबसे पहले कोच इनके पिता श्री पराग दास ही थे। तो दोस्तों, यह थी रियान पराग दास के बारे में शॉर्ट लाइफ स्टाइल वीडियो।
यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।